सरोज शर्मा, ऑल इंडिया फेडरेशन की रिचार्ज। और यहाँ पे जो आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है वो पूरे भारत वर्ष के अंदर जो एक काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज आईसीडीएस को 40 साल पूरे हो चुके हैं लोग, लेकिन जो नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक कि चपरासी से लेकर जो डायरेक्टर तक है, वो सारे के सारे कर्मचारी उसमें सरकारी कर्मचारी माना जाता है। लेकिन जो मेन गेट की हटी है, जो आंगनवाड़ी वर्कर, उसको ना तो कोई सरकारी कर्मचारी माना जाता है और ना उसको कोई सुविधा दी जाती है, यहाँ तक कि उसे न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। आज महंगाई की इस दौर में आज जो यहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहा है और लगातार यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को न्यूनतम वेतन कम से कम 10,000 दिया जाए और जो हमारी पेंशन है उसको दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे वर्कर हमारे बिना खाली हाथ रिटायर हो चुके हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। 40 साल आईसीडीएस को पूरे हो चुके हैं लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को खाली हाथ घर जाना पड़ रहा है। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अगर निचले स्तर पर हम देखें तो उसको हर घर तक, ग्रास रूट पे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हर घर तक उसे इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी भूमिका अदा करती है, लेकिन उसके बदले सरकार को लाखों अवार्ड मिलते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, चाहे